वेलकम टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज हम पालक की पूरियाँ बनाएंगे। पालक की पूरियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और ये बहुत हेल्दी भी होती है। और आप इस पूरी को रायते, सब्जी, अचार, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर एक मिक्सर का जार, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये बॉइल्ड पालक। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक लिया है, 250 ग्राम पालक, और पालक को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, उबाल लिया है। हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। मैं इस पालक की प्यूरी बना लूंगी। मैंने यहाँ पर पालक, अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैं लूंगी ये आटा। मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है, 250 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है, 250 ग्राम आटा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये आधी छोटी चम्मच अजवाइन, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 पिंच हींग, 2 से 3 चम्मच तेल। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये पालक की प्यूरी। मैं अभी इसमें आधी पालक की प्यूरी ऐड करूंगी। और अब हम इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब ये जो बची हुई पालक की प्यूरी है, हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर मुलायम आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक की पूरियाँ बनाने के लिए आटे से बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इस आटे को लेकर इसे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप जिस भी साइज की पूरी बनाना चाहते हैं उसी साइज के पेड़े बनाएं। तो आटे से मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं पूरी बनाने के लिए। तो अब हम इस पेड़े को लेकर इसे ऐसे रोल करेंगे और ऐसे दबा देंगे। मैं अब यहाँ पर लूंगी थोड़ा सा तेल और इस पेड़े को मैं अच्छे से रोल कर लूंगी। जैसे हम पूरी को रोल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे रोल करना है। और बाकी सारे पेड़ों को भी हम बिल्कुल वैसे ही रोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी पूरियों को बेलकर रेडी कर लिया है। तो अब मैं इन पूरियों को फ्राई कर लूंगी। पूरियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके अब मैं इस तेल में पूरियों को ऐड करूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लूंगी। पूरियों को हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बिल्कुल फुली फुली हुई ये पालक की पूरियां बनकर तैयार हो रही हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी। मैंने सारी पूरियों को फ्राई करके निकाल लिया है, और यहाँ पर हमारी हरी हरी हेल्दी एंड टेस्टी पालक की पूरियां रेडी हो चुकी हैं खाने के लिए। आप इसे किसी भी सब्जी, सॉस, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।